सारठ की सीट भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट पर फिर से बीजेपी ने रणधीर कुमार सिंह पर भरोसा जताया है, तो वहीं जेएमएम ने उदय शंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। इन दोनों के बीच में जेएलकेएम से अजहर अंसारी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो सारठ की सीट को रंजन जी अगर हम एनालिसिस करें तो क्या कहती है सारठ की सीट? देखिए, अगर हम सारठ की सीट को देखें तो ऑलमोस्ट 80 के दशक से आपको यहाँ एक व्यक्ति का प्रभाव दिखेगा, कई बार दो व्यक्तियों का द्वंद दिखेगा। ये इस सारठ की सीट की खूबसूरती है, या आप कह लीजिए कि वो इसके बारे में आप कह सकते हैं। जो एक चीज आप देखते हैं कि यहाँ पर एक कैंडिडेट है उदय शंकर सिंह, जो कि इस बार जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चुन्ना बाबू भी लोग कहते हैं, तो वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देखिए कि 1985 से उनका प्रभाव इस सीट पर रहा है। वो अब तक इस सीट पर अगर हम बात करें तो कई बार जो है वो जीत हासिल कर चुके हैं। 1985 में जीते, 1990 में जीते, 1995 में जीते, इसके अलावा जो है 2005 में भी उन्होंने जीत हासिल की, तो चार बार जीता और लगभग चार बार जो है वो सेकंड पोजीशन में रहे, तो एक उनका प्रभाव है। इसके बाद आप देखते हैं कि एक जो राइवलरी है वो अगर आप देखें 1995 से, तो वो उदय शंकर सिंह और जो शशांक शेखर भोक्ता, जो कि जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बीच भी देखने को मिली है और बारी बारी से ये जीतते रहे। 1995 में उदय शंकर जीते, तो 2000 में शशांक भोक्ता जीते, फिर 2005 में उदय शंकर जीते, तो 2009 में शशांक जीते। लेकिन ये जो 2009 का चुनाव हो रहा था ना, तब इन दोनों के द्वंद के बीच एक तीसरा कैंडिडेट आता है और उनका नाम होता है रणधीर सिंह। रणधीर सिंह की एंट्री होती है, हालांकि तब रणधीर सिंह को 16% मत जो है 2009 के चुनाव में मिलता है, लेकिन 2014 आते आते तक वो इस सीट पर कब्जा कर लेते हैं। जेबीएमपी के टिकट पर वो 2014 में चुनाव जीतते हैं, तब जो आपको चुन्ना सिंह है, उदय शंकर सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, तो उदय शंकर सिंह को रणधीर सिंह पराजित करते हैं। इसके बाद आता है 2019, व्यक्ति वही दो रह जाते हैं, पार्टियों की अदला बदली हो जाती है, रणधीर सिंह बीजेपी के टिकट पर आ जाते हैं और उदय शंकर सिंह जेबीएमपी के टिकट पर आ जाते हैं, और फिर एक बार रणधीर कुमार सिंह 28,720 वोटों के बड़े मार्जिन से जीतते हैं। तो हमने देखा कि दो राइवलरी देखा, जो पहली राइवलरी है वो उदय शंकर सिंह और शशांक शेखर भोक्ता के बीच की है, और दूसरी जो राइवलरी अब पनपी है वो उदय शंकर सिंह वर्सेस रणधीर सिंह, जो कि पिछले दो बार से विधायक हैं सारण के, उनके बीच जो है वो पनपी है। तो इस बार इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है। हालांकि जो पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं उदय शंकर सिंह के, शशांक शेखर भोक्ता, जो कि अभी भी जेएमएम में हैं, वो उदय शंकर सिंह को टिकट मिलने से बहुत खुश नहीं हैं, बल्कि वो नाखुश हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर भी की है। लेकिन एक अच्छी बात जेएमएम के लिए ये है कि उन्होंने कोई चुनाव लड़ने का इस तरह का फैसला जो है वो अब तक नहीं लिया है। तो चलिए, ये सारठ की सीट थी जिस पर दिलचस्प मुकाबला है, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।